अगर ये गाड़ी स्पीड में नहीं होती ना तो कभी भी इस गाड़ी का आगे से ये हाल नहीं होता। गाड़ी टकराई है आगे से और फिर पलटी है। खातून इसके अंदर बैठी थी, उनको तो शायद खरोंच तक नहीं आई होगी। उनकी वजह से कितने लोग मौत के घाट उतर गए, या तो वो नशे की हालत में थी। दो कंपनीज की CEO हैं, 7 कंपनीज की डायरेक्टर हैं। लोग मरे हैं वो जिंदगी भर इसी अफसोस में, और इसी जो है वो सदमे का शिकार रहेंगे। ये गाड़ी के ऊपर जो है लैंड क्रूजर आई है और फिर जो है वो फ्लिप हुई है। आज जो है मुलजिमा को हमने कोर्ट में पेश किया था, उसको अदालत ने जेल कस्टडी कर दिया। नाज़रीन, ये वो गाड़ी है जो मौत का फरिश्ता बनकर जो है वो इंसानों पर आ गिरी और अपनी वजन से, अपनी ताकत से जो है वो उनको मिनटों सेकंडों में ख़त्म कर दिया। लैंड क्रूज़र बड़ी महंगी गाड़ी है, 2022 का मॉडल है, कम से कम भी 7 से 8 करोड़ रुपए मालियत की ये गाड़ी है। और गाड़ी की आप हालत देखेंगे, बड़ी मजबूत गाड़ियों में शुमार होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना पैसा उतनी जो है वो चीज़ आपको जो है वो मजबूत मिलती है। ये गाड़ी की जो अगली हालत है, अगले हिस्से की जो हालत है, इससे अंदाज़ा होता है कि गाड़ी की जो स्पीड थी, क्योंकि गाड़ी, अगर ये गाड़ी स्पीड में नहीं होती ना तो कभी भी इस गाड़ी का आगे से ये हाल नहीं होता। ये पूरी ख़त्म हो चुकी है गाड़ी, आगे से पूरी तबाह है। जिस तरह से ये गाड़ी लगी है ना आके, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि गाड़ी की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। और गाड़ी टकराई है आगे से और फिर पलटी है। और देखा जाए तो इस गाड़ी का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इससे ठुकने वाली गाड़ी का जो नुकसान हुआ है। ये गाड़ी सिर्फ आगे से ख़त्म हुई है, पिछला हिस्सा इसका अभी भी सलामत है। और जिस गाड़ी को इसने हिट किया है वो गाड़ी जो है वो लॉक है। गाड़ी अंदर से जो ड्राइविंग सीट है, ड्राइविंग एरिया है पूरा, वो बिल्कुल सलामत है भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ इस गाड़ी का। मतलब जो खातून इसके अंदर बैठी थी उनको तो शायद खरोंच तक नहीं आई होगी, खरोंच तक नहीं आई होगी, क्योंकि अंदर से मैं देख रही हूँ उस वक्त के अंदर से बिल्कुल सारे मामला जो है वो ठीक हैं। आगे से जो है वो गाड़ी का मिरर भी जो है वो टूटा नहीं है, सिर्फ जो है वो दरारें आई हैं। तो अंदर जो खातून बैठी थी उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उनकी वजह से कितने लोग मौत के घाट उतर गए, कितना नुकसान हो गया ये कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी बड़ी गाड़ी एक जहनी मरीज़ा नहीं चला सकती। ये बार बार बात जो है वो हम कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी कोई जहनी मरीज़ा नहीं ड्राइव कर सकती, या तो वो नशे की हालत में थी या बाद में ये चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं सिर्फ उनको बचाने के लिए, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है। वो खातून खुद जो है वो 2 कंपनीज की CEO हैं, 7 कंपनीज की डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है उनके आगे जो फैमिलीज जो मोटरसाइकिलों पर सवार थी, जो कुचली गई हैं इस गाड़ी के नीचे, वो तो उनके लिए जो है वो मिट्टी के दाने के बराबर हैं। तो हमेशा से यही देखा गया है, यही हुआ है कि जीत हमेशा उसकी हुई है जिसके पास पैसा है। और इस बार भी जो है वो आसार कुछ ऐसे ही हैं कि जिनके पास पैसा है वही जो है वो दंदनाते हुए बाइज्जत बरी हो जाएंगे, और जिनके लोग मरे हैं वो ज़िंदगी भर इसी अफसोस में और इसी जो है वो सदमे का शिकार रहेंगे। गाड़ी के टायर भी तकरीबन जो है वो सलामत ही हैं। अब इतने बड़े बड़े टायर के नीचे अगर कोई बंदा आएगा तो क्या बचेगा उसमें। हाँ ये दिखा, ये ड्राइविंग सीट है भाई, तो बिल्कुल सलामत है, कुछ नहीं बिगड़ा। जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा, बाहर के मिरर का कुछ नहीं बिगड़ा, तो जो ड्राइविंग सीट पर खातून बैठी थी उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा होगा। लेकिन ये एक गाड़ी कितने घर बर्बाद कर गई। तो नाज़रीन, ये वो गाड़ी है जो लैंड क्रूज़र के आगे थी, जिसको लैंड क्रूज़र ने हिट किया है, और इस गाड़ी का तो कुछ नहीं बचा। ये गाड़ी तो तकरीबन पूरी तरह से जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। इवन के ये गाड़ी के ऊपर जो है लैंड क्रूज़र आई है और फिर जो है वो फ्लिप हुई है। ये आगे से भी तकरीबन जो है वो सारी बर्बाद हो चुकी है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये गाड़ी भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है कि कल्टस हो या ऑल्टो हो, छोटी गाड़ी हो जो बड़ी आसानी से जो है वो किसी भी हादसे में तबाह हो जाती है। बड़ी अच्छी जो है वो ये गाड़ी है,
और तकरीबन पूरी जो है वो ख़त्म ये गाड़ी हो चुकी है, मतलब कहीं से भी कुछ भी जो है वो इसका बचा नहीं है। गाड़ी के अंदर की अगर आप सूरत हाल देखें, जब गाड़ी के अंदर का ये हाल है तो जो गाड़ी के अंदर बैठा होगा उसका क्या हाल होगा। ये भाई पूरी भाई बर्बाद गाड़ी, जब इतनी बड़ी गाड़ी इस हाल को पहुंच गई है तो जो मोटरसाइकिल पर सवार लोग थे, जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा, कितनी हड्डियां टूटी होंगी, कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी चोट खाई होगी। बड़ी अफसोस की बात है, इस वक्त हम लोग भादराबाद स्टेशन पर हैं और ये वो गाड़ी थी जिसको उन खातून ने हिट किया था और इसी से टकराने के बाद उनकी जो गाड़ी है वो पलटी खाई है और वो फिर गाड़ी से उतर के जो है वो फरार होने की उन्होंने कोशिश करी है। सर अब तक जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है केस में? काफ़ी हाई प्रोफाइल केस जो है ये बताया जा रहा है और अब तक 3 लोग जो है बताया जा रहे हैं कि इस हादसे से जो है वो हलाक हो चुके हैं, तो क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बात ये, इसमें 2 लोगों की हलाकत हुई है फिलहाल और बाकी जो जख्मी अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए। बाकी इसमें आज जो है मुलजिमा को हमने कोर्ट में पेश किया था, उसको अदालत ने जेल कस्टडी कर दिया और हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया जेल में और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर जो चीज़ें एविडेंसेस आएंगे सामने उस हिसाब से हम मेरिट पे इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी जो है वो काफ़ी सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं कि भाई वो नशे की हालत में थी या फिर जो है वो उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, ज़हनी दबाव का शिकार थी, तो इस हवाले से अब तक क्या चीज़ें सामने प्रोसेस में देखें सामने आ जाएगी तो पता चलेगा, अभी वेट करना पड़ेगा इन चीज़ों में। अच्छा, फैमिली की तरफ से जो लोग इस मौके में हलाक हुए हैं उन फैमिली की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है, तो उनकी तरफ से मजीद किस तरह के जो है वो सेक्शन लग सकते हैं इस केस पे, किस तरह की कार्रवाई आगे हो सकती है? अभी फिलहाल इतनी बात हो सकती है, मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं, हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो उसके ऊपर प्रेस टॉक करेंगे इंशाल्लाह, तो आप उनसे फिर फर्दर चीज़ें पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।